हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग टॉक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू लर्निंग टॉक्स। लर्निंग टॉक्स आज हम कवर करेंगे कि हम मेल्टिंग रेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मेल्टिंग रेट। मेल्टिंग रेट निकालने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम वो समझ लेते हैं कि वो पॉइंट क्या क्या है। वो है मेल्ट रेट, उसके बाद में है पोरिंग रेट, उसके बाद में है पावर फैक्टर। रेट क्या क्या है, मेल्टिंग रेट क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो मेल्टिंग रेट एक्चुअली अगर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ स्क्रैप और मेटल मेल्ट इन 1 आवर इज नॉन एज मेल्टिंग रेट। हालांकि मैंने ये डेफिनेशन को थोड़ा इस तरीके से इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ जाए। एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो आपको अगर समझाऊँ तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 60 टन की मेटल को तैयार करने के लिए या 7 टन के मेटल को तैयार करने के लिए मान लीजिए कि हमको 60 मिनट लग रहे हैं, तो 60 मिनट जो है वो हमारा मेल्ट रेट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में हम कितना माल तैयार कर रहे हैं, 7 टन माल तैयार कर रहे हैं। तो 7 टन 1 घंटे में माल तैयार कर रहे हैं तो 1 घंटा हमारे लिए मेल्ट रेट हो जाएगा भाई, कि 60 टन को माल तैयार करने के लिए 60 मिनट लग रहे हैं तो 60 मिनट हमारा मेल्ट रेट हो जाएगा। अब अगर बात करें पोरिंग रेट की, अब अगर पोरिंग रेट की अगर बात करें तो पोरिंग रेट भी मेल्ट रेट के जैसा ही होता है। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि जब आप 60 टन का माल 1 घंटे में तैयार किया था तो वो टोटल टाइम था। अब पूरे टाइम में जो है वो एडिशनल हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे, जैसे स्लैग आउट का टाइम हुआ तो वो भी इसमें ऐड होगा। मतलब पूरिंग रेट मतलब उसमें जैसे आपने 1 घंटे के अंदर 60 टन माल तैयार किया था तो वो आपका मेल्ट रेट हो गया। अब इसी 1 घंटे के अंदर में आपने स्लैग भी आउट किया होगा, अगर उस टाइम को अगर हम माइनस कर दें तो वो एक्चुअली जो है वो आपका मेल्ट रेट होगा। माइनस करने के बाद में अगर हमने उसको ऐड किया हुआ है तो ये हमारा पूरिंग रेट होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पूरिंग रेट जो है इसका टाइम जो है हमेशा वो मेल्ट रेट के टाइम से जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम पूरिंग रेट के अंदर में जो हमने स्लैग बाहर किया है, जो टेम्परेचर लिया है, वो सारा टाइम भी हम ऐड करते हैं। आप होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद में पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ये टर्म्स है। पावर फैक्टर सिंपल सिंपल अगर भाषा में बात करें तो आपको शायद 7 टन की फर्नेस अगर है या 8 टन की अगर फर्नेस है तो मान लीजिए कि आपको उस फर्नेस को चलाने के लिए 4000 किलोवाट का पावर दिया जा रहा है। और अगर मान लो कि आप 4000 किलोवाट के पावर में से सिर्फ 3800 किलोवाट पावर यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका कहलाएगा पावर फैक्टर। हम पावर फैक्टर कोशिश करते हैं हमेशा कि 0.9596979899 या 1 के नज़दीक ही रखें। मैक्सिमम प्लांट में जितने भी पावर फैक्टर है वो 1 के नज़दीक ही रहते हैं, यूनिटी ही रहते हैं, या रहने के या पावर ऑप्टिमाइज़र वगैरह ये सब लगा के उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कि वो यूनिटी ही आए पावर फैक्टर हमारा। चलिए तो अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इसका कैसे ये काम करता है। मेल्टिंग टाइम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे एक कैलकुलेटर बना हुआ है। यहाँ पे आपके लिए मैंने कैलकुलेटर बना के रखा हुआ है। इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई जिसकी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे एक 10 टन का फर्नेस है, यहाँ पे फर्नेस की कैपेसिटी 10 टन है। इसके बाद में जो अवेलेबल पावर है हमारे पास में वो 4 मेगावाट का लिया है अपन ने। मैक्सिमम पावर जो है वो 4.5 चली जाएगी क्योंकि 0.1% थोड़ा ज़्यादा लिया है। पावर फैक्टर जो है वो हम 0.99 मेंटेन करके चल रहे हैं तो फाइनल अवेलेबल पावर जो है हमारे कितनी हो जाएगी, 4.356। और लॉसेस कितने हो जाएंगे, 0.044। ये सारी चीज़ें कैसे निकाली है ये आप कैलकुलेटर को डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन में से तो आपको पता चल जाएगा, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो हमने मेल्ट रेट की अभी बात की थी, ये मेल्ट रेट निकाल के रखा हुआ है। स्क्रैप का यील्ड जो है वो 0.85 और पोरिंग रेट जो है वो 12.342। ये दोनों डेफिनेशन हमने अभी पहले देखी है, मेल्ट रेट और पोरिंग रेट। स्क्रैप यील्ड जो है वो 0.85 है और टोटल टाइम जो आप यहाँ पे नीचे देखोगे अभी 1 घंटा 21 मिनट लगा। अगर हम यहाँ पे फर्नेस की कैपेसिटी को अगर थोड़ा बदल दें, मान लीजिए कि फर्नेस की कैपेसिटी को 30 टन कर दें, अगर अवेलेबल पावर जो है हम इसको मान लीजिए 12 मेगावाट कर देते हैं, 12 मेगावाट करते हैं और 0.99 ही अगर मेंटेन करते हैं तो आप देखोगे कि मेल्टिंग टाइम जो है वो टोटल 1 मिनट 21 से एक 1 घंटे 21 मिनट का आ रहा है, या फिर मिनट में यहाँ पे दिया हुआ है कि 81 मिनट का आ रहा है।
स्क्रैप का यील्ड अगर हम 0.94 कर देते हैं तो यही टाइम जो है वो हमारा और कम हो जाता है। 21 मिनट आ रहा था, अब 13 मिनट आ रहा है। अगर हम इसको और कम कर दें 0.85, तो ये हमारा 21 आने लगेगा। 40 टन का अगर फर्नेस है तो टाइम जो है वो 1:48 हो जाता है। 14 मेगावाट अगर पावर कर देते हैं हम तो 1:32 टाइम हो जाता है। मतलब इस फॉर्मूले से आप अलग अलग फर्नेस कैपेसिटी के ऊपर में अलग अलग पावर अवेबिलिटी के हिसाब से आप मेल्टिंग टाइम जो है वो निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉसेस को कंसिडर किया हुआ है। आपको जो सिर्फ मेंटेन करना है वो ये मेंटेन करना है कि आपके प्लांट में पावर फैक्टर कितना मेंटेन होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है पावर फैक्टर की। और दूसरी चीज़ है कि आपका स्क्रैप का यील्ड क्या है। स्क्रैप का यील्ड आप मतलब स्क्रैप इतना ज़्यादा कितनी ज़्यादा शुद्धता है उसके अंदर। आई होप सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये मेल्टिंग टाइम कैसे निकालते हैं इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। और डिटेल में अगर आपको इसको जानना है तो एक बार ये फार्मूला आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और मेल्टिंग टाइम कैसे निकालते हैं वो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके जवाब आपको जल्द से जल्द दे सकें। और ये सारे वीडियोस जो है आप इस चैनल की ज़रूर देखिएगा, ये आपको ज़रूर आपके नॉलेज को बूस्टअप करेंगे। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।